दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बेकू पर। महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, आपको बता दूं ईपीएफओ के हवाले, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले, जो कि प्रेस नोट है, जो कि प्रेस रिलीज है और महत्वपूर्ण अपडेट है। आप देख सकते हैं 21/10/2019 का ये अपडेट निकल के आ रहा है, आप सभी को बता दूँ। और इसमें कि प्रेस नोट निकला हुआ है जिसमें क्लियरली मैंसन किया गया है ऑल द पेंशनर्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी जो भी पेंशनर्स हैं ईपीएफओ के अंडर द ईपीएफ 1995 एंड 1971 आर एडवाइज टू अपडेट द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इन देयर कंसर्न बैंक ब्रांचेज और पीएफ ऑफिसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019 एंड दिसंबर 2019। इफ फेल टू डू सो द पेंशन विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स। प्लीज विजिट नियरेस्ट कंसर्न बैंक ब्रांच फॉर अवॉइडिंग एनी इनकन्वीनियंस। दीपक आर्य, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर्स, आरओ, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लियरली बताया गया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में अपडेट करना है। आपके पास टाइम जो है वो नवंबर 2019 का है और दिसंबर 2019 तक का टाइम दे रखा है इन्होंने, जिसमें ये क्लियरली बोलते हैं कि इन दोनों दिनों में आप अपना जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के, इसको अपडेट कराइए ताकि जो है आपका डिसकंटिन्यू ना हो पाए जनवरी 2020 से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि आप लोग के साथ साझा करना अति आवश्यक था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, राय कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, इजाज़त दीजिए हमें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।